वहीं यूपी के कुशीनगर में दबंगों के आतंक से तंग आकर ब्राह्मण के कई परिवारों ने अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है लिखकर पोस्टर चस्पा दिया। इसके बाद पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पोस्टर वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया और पोस्टर की जांच शुरू कर दी। यह नोटिस चस्पा गांव के ही कुछ लोगों की दबंगई से तंग आकर लगाए गए। आए दिन मारपीट और विवाद के चलते ब्राह्मण परिवार के अधिकांश घरों के लोग तो पलायन कर चुके हैं। बीते दिनों एक सरकारी सफाई कर्मी को बिना वजह इतना पीट दिया कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके बाद फिर शिकायत हुई। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कुछ लड़कों को पकड़ शांति भंग के कार्रवाई कर कोरम पूर्ति की गई है और यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान उठा है और ऐसे में राजनीतिक दल इसको मुद्दा बनाकर प्रशासन के लिए सिरदर्दी खड़ा कर रही है और ऐसे में प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कहकर ग्रामीणों को मनाने में जुटी है। एक जा रहे थे, ऐसे पंडित जी थे, वो अपने काम पे जा रहे थे, उनको कुछ विशेष वर्ग ने उनको पकड़ के हाथ तोड़ दिया, उनको मारने की कोशिश की गई। और ये सर आए दिन हमेशा ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं होती रह रही हैं, कभी किसी एक बच्चे को मार देना, कभी किसी एक विशेष वर्ग द्वारा। अगर आप कहें तो मैं उस वर्ग का नाम भी ले सकता हूं, मैं बता भी सकता हूं कि ये विशेष वर्ग द्वारा क्या हर तरीके के पर्व पे पलायन यह करने का रीजन है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लोग रीजन ये है कि एक विशेष वर्ग गांव के किसी भी लोग को पकड़ के मार देना, किसी भी लोग को गाली दे देना, किसी भी तरीके के अभद्रता बोल देना, एकदम कि भाई हम मारेंगे, हम जहां पाएंगे वहां मारेंगे, उनका उस किस विशेष जाति वर्ग से उनको नफरत है। मतलब यह है कि हमारे गांव में एक अधिक जानकारी के लिए संवाददाता डीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके यादव, क्योंकि शिकायत दर्ज कराई गई है, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कार्रवाई की गई है? जी देखिए, पूरा मामला पटेरवा थाना क्षेत्र के तरजहां गांव का है, जहां पे बीते कई दिनों से जो है कि वहां के जो एक ब्राह्मण परिवार के जो लोग हैं, लगभग एक दर्जन से अधिक हैं, उन लोगों के द्वारा गांव में एक पोस्टर लगवाया गया है। कई जगह पे जो है कि अलग अलग हर घर पे जो है कि लगवा दिया गया है, काले बाहर बंद है कि मकान बिकाऊ है, साथ ही कई चीजों को लेकर। हालांकि ब्राह्मण परिवार जो आरोप भी लगाया है कि वहां के जो कुछ ऐसे लोग हैं जो दबंग किस्म के हैं और उनके घर के सामने आके गाली देते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं, इससे वो लोग आजी जाके और उसके बाद तब इस तरह की उन लोगों ने जो है कि पोस्टर रुख अख्तियार किया है। हालांकि इसकी जब जानकारी हुई तो उप जिलाधिकारी तमकीराज और पुलिस क्षेत्र अधिकारी तमकीराज मौके पर पहुंचे और उसके बाद से मामले को किसी तरह से शांत कराया। हालांकि पुलिस इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, उनसे पूछताछ भी के खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो जिस तरह से लोग पलायन करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग पलायन कर गए हैं, कुछ लोग जो है कि घर में बुजुर्ग लोग ही हैं, बाकी महिलाएं बच्चे जो नौजवान हैं वो घर गांव छोड़ के चले गए हैं, तो आखिर इतने बड़े जो दबंग किस्म के लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं इनके अंदर पुलिसिया भय नहीं है, जो प्रशासनिक लोग हैं उनका भय नहीं है, वो कानून हाथ में लेकर और इतने बड़े तरह की कदम उठा लिए हैं कि जिससे ब्राह्मण परिवार के लगभग दर्जनों लोग ऐसे हैं जो पलायन कर गए हैं, दूसरे जगह चले गए हैं। हालांकि उनके घर के बुजुर्ग अभी भी घर में बने हुए हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा है। जी ठीक है, यादव तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।